चलो यार मैं तो रेडी हो गया हूँ। मैं नहा धो के फ्रेश होकर मैंने कपड़े भी नहीं पहन लिया पापा को लेकर चलते हैं जल्दी से मस्जिद में। ईद पढ़ने के लिए टाइम कम ही रह गया। ओ पापा का कमरा तो यार पीछे है यार, भूल जाता हूँ हर दफ़ा। हाँ ये पापा का कमरा है। ओ तेरी, पापा तो अभी भी सो रहे हैं यार। पापा को जगाता हूँ जल्दी से। पापा जी उठ जाए, टाइम कम है, ईद पढ़ने नहीं जाना, आप फिर मामा आपको मारेगी, जल्दी से उठ जाओ। अरे यार जिमी, क्या तू सोने में नहीं देता, क्या हो गया सुबह सुबह? पापा ईद नहीं पढ़ने जाना। टाइम देख क्या हुआ बेटे, टाइम देख पहले, मुझे टाइम। पापा 6:50 हो गए। ओ यार जिमी, तू इतनी लेट मुझे उठाने के लिए आया, चल अब जल्दी से बाहर चल, मैं कपड़े चेंज करके आ रहा हूँ। ठीक है पापा, जल्दी से आ जा, बाहर मैं वेट कर रहा हूँ। शुक्र यार जिमी ने आके जगा दिया, अभी टाइम 6:50 हो गए, जल्दी से जाना मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए। तो नहाने का यार टाइम नहीं, अभी फटाफट से कपड़े चेंज कर लेता हूँ। तो कपड़े कौन से पहनूँ यार, आज ईद है तो फुल ड्रेसिंग करते हैं यार, फुल पैंट शर्ट पहन लेते हैं, ड्रेसिंग कर लेते हैं फुल। तो ये मेरे ख्याल से ठीक है यार, अब फटाफट से चलते हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, टाइम काफ़ी हो गया यार। तो जिमी बाहर वेट कर रहा है। चलो आओ जिमी बेटा चले, काफ़ी लेट हो गए यार आज, तो जल्दी जल्दी स्पीड से जाना पड़ेगा, जल्दी भाग के आ जा। जी पापा आ गए, आप गाड़ी निकालें फटाफट से। आ जा बेटा, तेरी गाड़ी लेकर चलेंगे, बाइक पे नहीं जाएंगे यार, बाइक के कपड़े गंदे हो जाएंगे, गाड़ी भी चलेंगे। आ जा जल्दी से आ जा। जी पापा आ गया। चलो पापा बैठो, क्या सोच रहे हो? हाँ यार जल्दी से आ जा, तू भी आ जा फिर। पापा आराम से जाना, मेरी गाड़ी तोड़ फोड़ ना देना, आराम से आराम से। ओ पापा ये क्या है, मेरी गाड़ी तोड़ दी पापा? यार कुछ नहीं होता यार जिमी, नमाज में लेट हो जाएगी यार, फिर मंडा से मुझे मार पड़नी है, तुझे पता तो है। मैं मामा को बताऊंगा। अबे नहीं यार, तुझे ईदी दूंगा, तुझे बहुत ज्यादा ईदी दूंगा, मामा को नहीं बताना। ठीक है पापा नहीं बताता। मुझे कितनी ईदी दोगे? 50 रुपए। पापा ये क्या बात है, 50 रुपए तो छोटे बच्चे भी नहीं देते। अच्छा मेरे प्यारे बेटे, हम नमाज पढ़ लें उसके बाद तुम्हें ईद दूंगा, ठीक है? ठीक है पापा। अच्छा जिमी आप बता, तुझे कितनी ईदी दूं? पापा 100 रुपए दे दे। अबे 100 रुपए सिर्फ ही? पापा $100 है, $100। अच्छा अच्छा चलो सही यार, तुझे दे दूंगा, ठीक है? थैंक यू पापा। चलो यार शुक्र है, हमने नमाज पढ़ ली, बड़े टाइम पे पहुंच गए थे, तो घर आ गया हमारा। अब हमने कसाई से बात करनी है फटाफट से, ना कसाई को भी लेकर आना है, सुबह सुबह कसाई को बुलाना पड़ता है, तो लेट ना हो जाना जिमी, तुमने कसाई को लेने जाना। ठीक है पापा मैं ले आऊँगा, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? चल फिर आ जा बाहर जल्दी से, और पहले गाय और बकरे को नज़र मार लेते हैं, वो ठीक तो है ना, चारा शारा इनको डाल, पानी पुनी बुला, फिर जा कसाई को लेकर आ। पापा आपकी किससे बात हुई थी? और यार मेरी हुई थी उस रहमत भाई से बात हुई थी, रहमत जो मैकेनिक नहीं है। अच्छा अच्छा पापा उससे बात हुई थी, तो फिर मुझे उसके पास पहले जाना पड़ेगा। हाँ पहले उसके पास जाए, वो फिर तुझे कसाई के पास लेकर जाएगा, और कसाई को फिर लेकर आना है घर, ठीक है? फटाफट से जा। ठीक है पापा। तो पापा पहले रहमत भाई को कॉल तो कर देना, उनको बता दे कि मैं आ रहा हूँ। हाँ मैं उनको कॉल करता हूँ। गाय तो यार ठीक लग रही है ना, परेशान तो नहीं है? नहीं नहीं पापा खुश हैं, ये बात शरीफ है ना, हमारे जानवर गाय भी और बकरा भी दोनों शरीफ हैं। चलो सही है, ठीक है, तो फिर मैं रहमत को कॉल करता हूँ, फिर उसके पास चला जाएं तो, ठीक है? ठीक है पापा। अस्सलाम वालेकुम रहमत भाई, आपके पास जिमी आ रहा है यार, फटाफट से कसाई को लेकर आओ और गाय को ज़िबा करना, ठीक है? ठीक है मैकल भाई, जिमी को जल्दी से भेज दो। चल भी जिमी उससे बात होगी, अब फटाफट उसके पास पहुँच जा, ठीक है? ठीक है पापा मैं जा रहा हूँ। आप यार रहमत भाई के पास जाना है, मैंने उसको कसाई का पता, पापा ने उससे बात की थी, तो किस गाड़ी पे चलूँ यार? अपनी गाड़ी पे नहीं जाना, उसमें पेट्रोल नहीं है। तो यार आज ट्रेसी की गाड़ी लेकर चलता हूँ। अबे नहीं यार इसमें भी नहीं जाना, ये तो मेरी पुरानी गाड़ी है, इसमें भी नहीं जाना। अबे ये किसकी गाड़ी खड़ी हुई, वो इसमें जाएंगे यार मज़ा आ जाएगा, ये पता नहीं किसकी, पापा के दोस्त की खड़ी हुई है, पापा ने नहीं खरीदी मुझे नहीं पता, आज इसमें जाएंगे यार। चलो चलते हैं भाइयों। यार ये 2018 मॉडल है टोयोटा क्रोला का, बहुत ही कमाल का मुझे तो लग रहा है, इस पे जाएंगे। अबे बड़े ख्याल से बैक करनी पड़ेगी, कहीं लग ना जाए, आराम से आराम से आराम से भाई, लग ना जाए। ओ तेरी थोड़ी सी लग गई यार, चलो कोई नहीं अब चलते हैं यार फटाफट से। अरे यार रहमत भाई के वर्कशॉप की इधर है, पहले उसको मार्क कर लूँ फिर चलते, मैं कहीं गलत ना चला जाऊँ, टाइम भी शॉर्ट आना इसलिए। तो यहाँ पे रहमत भाई की वर्कशॉप है, यहाँ पे मेरे ख्याल से, हाँ यहाँ पे हमने जाना है, तो चलो यार अब चलते हैं। अरे क्या बात है यार, गाड़ी तो बहुत मस्त है मेरे भाई, गाड़ी तो बहुत तेज़ है यार, बस एक्सीडेंट ना मारा हो जाए। ओहो हो बची बची बची, शुक्र है यार बच की, गाड़ी कहीं लग ना जाए।
अभी पापा को तो पता ही नहीं कि मैं ये गाड़ी लेके आऊँ, अभी वापसी पे जाऊँगा तो पापा को पता चलेगा तो मेरी खैर नहीं है। चलो यार पहले मैं इसकी स्पीड चेक करता हूँ, इसकी स्पीड कितनी आ रही है। अबे चल भाग रे, गाड़ी कितना भाग सकती है, 150 तक चलेगी मेरे दोस्तों। अबे फिर वापस आ गई यार, रश भी बहुत है यार। वाओ यार गाड़ी तो बहुत मज़ेदार। आपको फ्रेंड्स कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। मैं जिमी हूँ ठीक है ना, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो यार रहमत भाई की वर्कशॉप इस तरफ है, मैंने इस तरफ ही जाना है। गाड़ी तो बहुत कमाल की यार, बस ये सामने वर्कशॉप आ गई रहमत भाई की। तो चलो यार शुक्रिया, ये रहमत भाई भी खड़े हुए हैं यार। ये देखो सुट्टा लगा रहे हैं सुबह सुबह से, और कोई काम ही नहीं दुनिया का, सिर्फ सुट्टा लगाते रहते हैं, हर वक्त सिगरेट पीते हैं यार, इसलिए दुनिया का और कोई काम नहीं है। अरे रहमत भाई कैसे हो यार? अबे जिमी तो आ गया, मैं कब से तेरा वेट कर रहा हूँ, चलो जल्दी से चलें। आ जाओ रहमत भाई चलें। अरे तेरे पापा ने मुझे कॉल की थी, मैं तब से वेट कर रहा हूँ तेरा। हाँ उसने मुझे कहा था, मैं इसलिए तो आपके पास आ गया हूँ। अबे चल जल्दी, पहले तुम लोग बहुत लेट हो गए हो यार। अरे जिमी ये तू गाड़ी किसकी लिया है, ये तो तेरे पापा के पास नहीं थी। पता नहीं रहमत भाई, पापा कार के मारे गाड़ी ये खड़ी हुई थी, पता नहीं किसकी, मुझे तो खुद नहीं पता पापा की है या पापा के दोस्त की है। अरे तेरे पापा सोच रहे थे अमंडा को गाड़ी चलाने का, वो तो नहीं है। रहमत भाई मुझे तो नहीं पता यार, मैंने तो सुबह सुबह आपको लेने आना था, पापा ने बोला था जल्दी से चले जाओ, पापा अंदर चलेंगे, तो मेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं था, मैंने सोचा पापा की गाड़ी ले चलूँ, तो बस मुझे ये नजर आई तो मैं ये लेके आ गया। अच्छा चलो सही है, ठोकियो मत, नहीं तो तेरा पापा तो बहुत मारेगा आज ईद वाले दिन। नहीं नहीं रहमत भाई मैं बहुत अच्छी गाड़ी चला रहा हूँ, आज देखना आज रश भी नहीं, आज ईद है ना इसलिए। हाँ ये तो है, आराम से चला। अरे जिमी गाड़ी को स्लो कर ले, ये जो सामने दो घर नज़र आ रहे हैं ना, दूसरा वाला घर साइक है। हाँ ये वाला यहाँ पर गाड़ी खड़ी कर दे। ठीक है रहमत भाई, जल्दी से कसाई को बुला के लाएं। हाँ मैं उनको बुलाता हूँ यार, सब्र कर यहाँ पे, सब्र कर ले, मैं उनको बुला के लाता हूँ। ठीक है रहमत भाई जल्दी से लाएं बस। चलो तो यार मैंने बेल मार दी है, यहाँ पे देख रहे थे नज़र नहीं आ रही, मेरे ख्याल से अंदर ही होंगे। अबे जिमी मैंने बेल मार दी, आते हैं अभी। अच्छा रहमत भाई ठीक है। तो चलो जिमी यार कसाई आ गए, अभी ये दो क्यों आए, एक से बात हुई थी। अबे यार तेरे से बात की थी ना, तू दूसरे को क्यों ले आया? अबे काई को टेंशन लेता रहे, ये मेरे साथ काम करेगा, मेरी हेल्प करेगा, तूने पैसे एक ही देने हैं। अच्छा चलो सही है, चलो यार जिमी चले। अच्छा चलो सही है रहमत भाई, आ जाओ चले। अबे चल बैठ जा गाड़ी में मोटे आलू। अबे रहमत भाई क्यों गुस्सा कर रहे हो यार? अबे नहीं यार गुस्सा कहीं को करता, मैं गुस्सा नहीं करता मैं, चल गाड़ी निकाल जल्दी से चलें। हाँ यार ये मेरा घर यहाँ पे है ना, हाँ सीधा रास्ता, हम जल्दी से पहुँचेंगे। अबे चल जल्दी से पहुँचो, टाइम कम है यार। तो सब्जी आप इतना लेट क्यों आए हो? अरे यार मैं तो कब से वेट कर रहा था, ये जिमी मोटा आलू लेट आया। तो साहब जी इतने लेट नहीं होना चाहिए था ना, हमारे पास और भी काम होते हैं ना, आपने कहा था सुबह 8-9 बजे आ जाएंगे, अभी तो 10 होने वाले हैं। अरे यार मेरी इसमें कोई गलती नहीं मेरे भाई, ये मोटा आलू लेट आया। अबे रहमत भाई ऐसे क्यों बोले जा रहे हो यार, हम टाइम से आए हैं, मतलब ये बंदे ने ईद की नमाज भी तो पढ़नी होती है ना, आपने ईद नमाज नहीं पढ़ी? अरे पढ़ी है यार, क्या हो गया, 7 बजे ईद पढ़ी जाती है, तू 10 बजे आया, इतनी लेट क्यों आया? हाँ मतलब आते आते भी तो लेट हो ही जाती है ना, देखिए अभी हम घर जा रहे हैं तो कितना टाइम लग रहा है, आधा घंटा लग जाएगा ना, तो ऐसे आधा घंटा घंटा इनके पास आते आते लग गया। हाँ ये तेरी बात तो ठीक है जिमी। तो साहब जी कितने जानवर करने हैं जीबा? हाँ अभी तो आज तो एक ही करना है, हम गाय करनी है बस। तो साहब जी बकरा भी करवा लेना। वो पापा को पता है, पापा बकरा करवाएंगे या ना करवाएंगे, बकरा कल कर देना आप आके। तो चलो सही है फिर, कल आकर बकरा कर देंगे, आज गाय कर देते हैं। हाँ यार बकरा कल कर देना, ये हमारा घर आ गया, बस आज गाय करनी है। ठीक हो साहब जी, नो टेंशन। तो चलो यार आप जल्दी से सारे उतर जाओ, आ जाओ मेरे साथ, मैं आपको गाय दिखाता हूँ, जल्दी से आ जाओ।
आजो 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 यार जल्दी से, देखो ये मेरी गाय खड़ी और वो सामने बकरा है, देखो कितने अच्छे जानवर है आराम से खड़े हुए हैं। अच्छा साहब जी, पहले आज गाय करनी है ना। अच्छा तो ये गाय है, माशाल्लाह साहब जी बहुत प्यारी गाय है और बकरा भी बहुत प्यारा है, बहुत उम्दा जानवर है माशाल्लाह। तो चलो सबसे पहले फिर गायें को सेवा करते हैं, इनको लेकर चलते हैं आगे। अरे यार गायें किधर लेकर जा रहे हो? ओ बेटे साहब जी, गायें यहाँ पे नहीं सेवा कर सकते, बकरा सामने खड़ा हुआ यार, उसको तकलीफ होगी, वहाँ पे दरख्त के नीचे करते हैं, आ जाओ। अच्छा अच्छा चलो सही है। अबे जिमी मोटे, तुझे इतना नहीं पता कि जानवर के सामने जानवर सेवा नहीं करते? यार मुझे पता है, बस मैंने तो वैसे ही बोल दिया। अबे क्या वैसे बोल दिया, आप तो जो पागल बना रहा है। तो साहब जी इसको आगे ले आओ, यहाँ पे इसको ज़िबा करेंगे। अमंडा आ जाओ, मेरे ख्याल से जिमी कसाई को ले आया है, तो देख लेते हैं गाय को कहाँ पे ज़िबा करना है, तो आ जाओ चलते हैं। हाँ हाँ चलो मैं आ रही हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो जिमी यार किधर है? जिमी नज़र क्यों नहीं आ रहा? जिमी किधर चला गया? अबे जिमी तू किधर है? पापा मैं इधर हूँ, इधर आगे आ जाओ आगे। अच्छा अच्छा चलो मैं आगे आ गया। अच्छा अच्छा यहाँ पे जानवर ज़िबा करने लगे, सही है। तो साहब जी मैंने सोचा यहाँ पे जानवर ज़िबा कर लें, क्या कर लें यहाँ पे दरख्त के नीचे, वहाँ पे उनके बकरे के सामने जानवर ज़िबा नहीं कर सकते, उसको तकलीफ होगी बेचारे को। हाँ हाँ यार सही है, यहाँ पे कर लो, कोई मसला ही नहीं है। पापा आप लोग इधर आ जाओ, जानवर ज़िबा करने लगे, कहीं टांग ना मार दे आप लोगों को। हाँ यार सही है, चलो ठीक है, इधर आ जाओ मंडा, साइड पे हो जाओ। तो सब जी अब मैं गाय को नीचे लटा लूँ, फिर इसको ज़िबा करेंगे। अब इश्की रदी दरा मेरे पास, गाय को नीचे लटाएं। अच्छा यार जी मैं आ गया। चलो यार गाय तो नीचे लेट गई है, अब इसको ज़िबा करते हैं। गाय बहुत अच्छी यार, बहुत ही अच्छी है, अल्लाह के राह पे कुर्बान हो रही, उसे पता है वो ज़रा भी हिल नहीं रही। चलो यार इसको छोरी पहने लगाऊँ मैं। तो यार आप लोगों ने गाय लटा ली नीचे? जी सब जी हमने गाय नीचे लटा ली, लेकिन आप यहाँ से चले जाएं थोड़ी देर के लिए, जानवर डर जाता है। चलो सही है हम जाते हैं, आ जाओ मंडा हम चलें। जमीन के पास खड़ा नहीं, कोई किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताएं। ठीक है पापा जी। और अमंडा तुम इन लोगों के लिए चाय बनाओ अच्छी सी, इनको चाय पिलाएं, और ये अपना काम कर रहे हैं, थोड़ी देर तक गोश्त भी तैयार हो जाएगा। हाँ ठीक है, मैं इनको चाय बना कर देती हूँ, कड़क सी चाय पी के खुश हो जाएंगे। हाँ तो चलो सही है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें इस तरह की और वीडियो देखने के लिए। तो आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।